हेलो एंड वेलकम टू इंडिया टीवी एंड यू आर वाचिंग द डेली टैरो रीडिंग शो। मैं हूं मिस्टिक सोनिया और मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं टैरो रीडिंग फॉर ऑल द सन साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सन साइन से, जो है एरी सन साइन, और देखते हैं एरी सन साइन वालों के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया है और अब देखेंगे कि आप लोगों के लिए कौन से दो कार्ड्स आते हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है स्टार का कार्ड और दूसरा कार्ड आपके लिए आया है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पे ये कार्ड से बता रहे हैं कि आपके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आपको अभी हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा शायद लाइफ में, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स बैक एंड में आपके लिए ऑलरेडी काम कर रहा है। तो अगर अभी आपको थोड़ा सा लो फील कर रहा है या कुछ ऐसा हुआ है लाइफ में जिसकी वजह से आपको कोई सेटबैक फील हो रहा है, तो परेशान मत होइए, बिकॉज स्टार का कार्ड है यहाँ पर और वो स्टार्स आपके लिए ऑलरेडी अलाइन हो रहे हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट इज द सन साइन टॉरस, और हिंदी में हम इसको वृषभ राशि भी बोलते हैं। तो टॉरस, आप लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आइए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड फॉर यू इज फोर ऑफ पेंटिकल्स और दूसरा कार्ड आपके लिए पिक करेंगे हम फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे कार्ड्स को देखकर ऐसी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है आप किसी चीज़ पे होल्ड ऑन कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद वो चीज़ आपसे छूट ना जाए या आपके हाथों से निकल ना जाए। हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो, कोई एक डिसीजन आपने लिया हो जिसको आप रिग्रेट कर रहे हो, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम पे भी आप कोई ऐसा कदम ना उठा लें जिसकी वजह से आपको रिग्रेट करना पड़े। तो अगर ऐसा आप फील कर रहे हैं तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो फेस है वो बहुत टेम्परेरी फेज है एंड टुमोरो द एनर्जीज विल चेंज और वो एक नया दिन होगा। अप नेक्स्ट इज जेमिनाई सन साइन और हिंदी में हम इसको मिथुन राशि भी बोलते हैं। जेमिनाइज, आप लोगों के लिए क्या कार्ड निकल के आते हैं आइए देखते हैं। पहला कार्ड है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और दूसरा कार्ड है हर्मिट का कार्ड। आप हो सकता है थोड़ा सा दुखी फील कर रहे हो या ऐसा कोई हार्ट ब्रेक हो, कुछ ऐसी बात जो आपके दिल में बहुत चुभी है या बुरी लगी है। हर्मिट का कार्ड यहाँ पे ये दिखाता है कि आप वही चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन वाले मोड में हैं, एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को कि क्या हुआ, अगर जो हुआ वो सही हुआ या नहीं हुआ। हो सकता है कि आजकल आप जिस तरीके का भी काम कर रहे हैं ना, आपको वो काम सिखा रहा है कि आप एक बार सेल्फ रिफ्लेक्ट करिए और एनालाइज करिए कि वो काम क्या आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि ये सेल्फ रिफ्लेक्शन आपके लिए बहुत अच्छा है, इससे जो लर्निंग आपको मिलेगी वो आप फ्यूचर में अप्लाई करिए। और हमारा नेक्स्ट सन साइन है कैंसर सन साइन और हिंदी में हम इसको मकर राशि भी बोलते हैं। कैंसेरियंस, आपके लिए क्या कार्ड आए हैं चलिए देखते हैं। पहला कार्ड है डेविल का कार्ड और दूसरा कार्ड यहाँ पर है टेन ऑफ कप्स का कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसी चीज़, कोई एक परेशानी अभी अभी जस्ट टच डाउन किया है बट वो आपको छुई नहीं है और वो निकल गई है, बिकॉज आपके ऊपर आपकी फैमिली की बहुत स्ट्रांग ब्लेसिंग्स हैं। क्योंकि यहाँ पर डेविल कार्ड के साथ जब टेन ऑफ कप्स आते हुए दिखाता है कि कोई एक ऐसी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम जो आने वाली थी वो आ नहीं पाई है, और वो इसलिए नहीं आ पाई बिकॉज आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स और आपके पेरेंट्स की, आपके फैमिली की ब्लेसिंग्स आपके साथ थी। और अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो ग्रैटिट्यूड शो करिए यूनिवर्स को। और अब बारी आती है लियो सन साइन वालों की और हिंदी में हम इसको सिंह राशि बोलते हैं। लियोस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन चलिए देखें। स्टार का कार्ड आया है आपके लिए और दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है लवर्स का कार्ड। एक और कार्ड खुला है वो भी हम ले लेंगे। एम्प्रेस का कार्ड भी आपके लिए आया है। देखिए बहुत बहुत सुंदर एनर्जी यहाँ पे बन रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ रिलेशनशिप रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ब्यूटीफुली अलाइन हो रही हैं। अगर आप सिंगल हैं और आप अपने पार्टनर की खोज में हैं या पार्टनर के साथ रिसेंटली कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो आप ये सोच लीजिए कि वो चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी और एक बहुत ब्यूटीफुल पार्टनरशिप निकल के आएगी। और अब बारी आती है वर्गो सन साइन की और हिंदी में हम इसको कन्या राशि भी बोलते हैं। तो वर्गोस, आप लोगों के लिए कौन से दो कार्ड्स हैं जो आपको बताएंगे कि आज का दिन आपका कैसा रहेगा। पहला कार्ड है टावर का कार्ड और दूसरा कार्ड है यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड। मैसिव मैसिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, या तो बहुत रिसेंटली आए हैं या बहुत कुछ जल्दी दिनों में आने वाले हैं। टावर का कार्ड एक तरीके से ना आपको हिला के रख देने वाला कार्ड होता है, और ये चीज़ें जो है ना, हो सकता है कई बार इमोशनल एक अपहीवल लेके आती हैं, बट इसका एक गुड पार्ट ये है कि आप के सामने चीज़ें इतनी क्लियरली प्रेजेंट हो जाती हैं कि आपके मन में डाउट नहीं रहता है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है और आपके लिए टावर का कार्ड आ गया है, तो आप ये समझ लीजिए
टेम्परेरी आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, बट इन द लॉन्ग रन वो रास्ता आपके लिए साफ कर रहा है। हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई एक पूजा हो, कोई रिचुअल हो जो आप अटेंड करेंगे, या हो सकता है कि आपके यू नो फैमिली में या कोई भी ऐसी मैरिज हो जहाँ पर आप जाएं, तो कोई इंस्टीट्यूशन, कोई मैरिज, कुछ इस तरीके का पूजा, रिलीजियस फंक्शन हो सकता है आप आज अटेंड करें। एंड अप नेक्स्ट इज लिब्रा सन साइन, और हिंदी में हम इसको तुला राशि भी कहते हैं। लिब्रंस, आप लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा चलिए देखते हैं। फर्स्ट साइन फॉर यू इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द सेकेंड साइन इज पेज ऑफ कप्स। तो कोई तो एक ऐसा इंसान है जो आपको ऐसे देखता है कि जैसे आप एक बहुत ब्यूटीफुल क्वीन की तरह हैं और आपके पास सब कुछ है। तो आई थिंक देर इज समवन हु रियली रियली लाइक्स यू। हो सकता है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको सोशल मीडिया पे आपकी सारी खबर रख के रखा है, बट एक्सप्रेस नहीं किया उन्होंने अभी तक कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। बट आपके लिए वो जो भी फील करते हैं वो आपको एक अपर पेडेस्टल पे रखते हैं और देखते हैं कि आप बहुत ही एक खूबसूरत इंडिविजुअल हैं, काबिल हैं और अपने से सब कुछ अचीव कर सकते हैं। ऐसा अगर आपके साथ सिचुएशन रिलेट हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि ये भी पॉसिबल है कि ये किसी तरीके का डिवाइन कनेक्शन है। और अब बारी आती है स्कॉर्पियो सन साइन की, और हिंदी में हम इसे वृश्चिक राशि भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियंस, आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। फर्स्ट कार्ड फॉर यू इज क्वीन ऑफ कप्स, और दूसरा कार्ड आपके लिए है सेवन ऑफ वॉन्स का। देखिए, अगर आपको क्वीन को अपनी ज़िंदगी में लेके आना है ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर आई थिंक आपके आसपास कोई तो एक ऐसे फीमेल पावर है या जिसको आप पसंद करते हैं, वो एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत अंडर कंट्रोल ऑफ देयर इमोशंस हैं। अगर आपको उनकी एनर्जी या उनको अपने आसपास रखना है या उनकी ब्लेसिंग्स आपको चाहिए, एंड दिस फीमेल कुड बी एनीवन, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना हार्डवर्क, अपने हिस्से का हार्डवर्क बिल्कुल करना पड़ेगा इफ़ यू वांट दैट पर्सन टू बी अराउंड यू। और अब बारी आती है धनु राशि वालों की, और इंग्लिश में हम इसको सजिटेरियस सनसाइन भी बोलते हैं। तो सजिटेरियंस, आप लोगों के लिए कौन से दो कार्ड पिक करेंगे और देखेंगे आपका आज का दिन कैसा रहेगा। पहला कार्ड है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का और दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। पास्ट में कुछ ऐसा डिसीजन आपने लिया है जिसको सोच के आप खुद रिग्रेट कर रहे हैं कि शायद आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट ये जो रिग्रेट है वो आपके अंदर ही है, आप उस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज़ के लिए आगे बढ़ करके उस इंसान से माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ आपके लिए करेक्टिव एक्शन यही होगा कि जिस चीज़ के लिए भी आप सोच रहे हैं कि शायद आपने गलत किया, उस चीज़ को कैसे सुधार सकते हैं, क्या करेक्ट स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि आपके दिल से वो गिल्ट चला जाए और वो चीज़ें करेक्ट बात पे हो जाए। और अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न सन साइन की, और हम इसको हिंदी में मकर राशि भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं मकर राशि वालों के लिए कौन से कार्ड्स निकल के आते हैं। पहला कार्ड आया है डेविल का कार्ड और दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है लवर्स का कार्ड। एक और कार्ड आया है वो भी लेंगे, विच इज़ नाइन ऑफ वॉन्स। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप और लव लाइफ रिलेटेड देयर इज सम सॉर्ट ऑफ टॉक्सिसिटी। कोई एक ऐसी सिचुएशन है या आप ऐसे एक रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर काफ़ी टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपको फेस करना पड़ सकता है। आपके लिए एडवाइस क्या है? आपके लिए एडवाइस यही है कि आप एक तो पहले एनालाइज करिए कि आपको इस सिचुएशन में रहना है या नहीं। अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन लॉन्गर रन में आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, तो प्लीज़ करेक्टिव स्टेप्स लीजिए और इस सिचुएशन से बाहर आइए। और अब बारी आती है अगले सनसाइन की, जो है 11th सनसाइन ऑफ द ज़ोडियक, और इसे हम एक्वेरियस सनसाइन भी कहते हैं, यानी कि कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा चलिए देखते हैं। पहला कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का और दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल एक फैमिली रीयूनियन हो सकता है आपके साथ आज, और ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एक मनी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड या जॉब रिलेटेड एक नई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे दस्तक दे। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है, और जैसे ही आपको ये एनर्जी अपने आसपास दिखे ना, उसको तुरंत टैप कर लीजिए। और अब आ गए हैं हम अपने लास्ट सन साइन ऑफ द ज़ोडियक पे, जो है पाइसिस सन साइन। हिंदी में हम इसे मीन राशि भी कहते हैं। सो पाइसेंस, आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन चलिए देखें। एम्प्रेस का कार्ड आया है आपके लिए और जस्टिस का कार्ड आया है आपके लिए। देखिए, इतनी पावरफुल एनर्जी है यहाँ पर। एम्प्रेस का कार्ड बताता है कि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं
जिसको पाने के लिए आई थिंक बहुत सारे लोग ना भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पास क्यों नहीं है, बट यू आर अबंडेंट. आपके पास स्किल भी है, आपके पास यू नो वो फेस भी है, वो जुनून भी है, सब कुछ है जो एक काबिल इंसान, एक सक्सेसफुल इंसान के पास होना चाहिए. जस्टिस यहाँ पर ये दिखाता है कि अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत हुआ या आपके साथ चीज़ें फेवर में नहीं जा रही हैं, तो चिंता करने की बात नहीं है, बिकॉज विद इन द नेक्स्ट 6 days आपके साथ वो करेक्टिव स्टेप्स यूनिवर्स ऑलरेडी लेगा, तो आपको कंप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. और इसी के साथ ये शो को हम पूरा करेंगे. मैं कल फिर से आप लोगों को मिलूंगी विद ऑल द 12 सन साइंस. थैंक यू सो मच.